अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत लोग मार्केट में देखते हैं कि इस सब्जी को कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको ककोरा की सब्जी, जिसको कि जंगली परवल भी बोलते हैं या परौरा भी बोलते हैं, सब जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ककोरा ले लिया है, जिनको मैंने अच्छे से धुल लिया, क्योंकि ये थोड़े से कांटे जैसे होते हैं बाहर, तो इनमें गंदगी चिपक जाती है। तो इनको अच्छे से धुल के पोंछ के रख लिया। अब इनको कट कैसे करना है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हम जैसे कोई और भी सब्जी भरवा बनाते हैं उसका काट देते हैं, तो उस तरह काट के इनको लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनको कट करेंगे, ऊपर और नीचे का पार्ट निकाल देंगे, और फिर इनको जो भी आप साइज़ देखना चाहें, जो भी डिज़ाइन का कट करना चाहें, वैसे आप कट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने सारे ककोरा को कट कर लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैं राई का तेल डालूँ। अब कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर राई के तेल अगर आपके पास है तो उसी में बनाएं, उससे और भी ज़्यादा इसमें टेस्ट बढ़ जाता है। मतलब राई के तेल में इसका 50% टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 लहसुन की खड़ी साबुत जो लहसुन है वो मैंने कट करके नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया। अब लहसुन हमारा हल्का सा पकने लगेगा, मतलब हल्का सा कलर चेंज होगा, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने ककोड़ा कट करके रखे हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। अगर सिर्फ आप नमक और तेल से ही इसको फ्राई करके अच्छे से भुजिया जैसे बनाएंगे, तो भी आप इसको बहुत टेस्ट भर के खा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से चला देंगे ताकि तेल ककोड़ा में हर जगह पे लग जाए, ताकि ये अच्छे से भुजिया बनके तैयार हो। तो ये देख सकते हैं, ये अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हल्की हल्की भूनने लगी। आप देख रहे हैं ना, सब्जी का कलर चेंज हो गया है, तो ये तेल में अच्छी तरीके से भून रही। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, बस कुछ मसाले लगते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। और याद रखिए, नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि ये सब्जी बनने के बाद अगर आप परफेक्ट नमक डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने लगता है। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ नमक डाल के भी ये सब्जी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले और बेसन ककोरा के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो इसमें 4 चम्मच लग जाए। तो ये देख सकते हैं, ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। ये भुजिया एकदम बन के तैयार है। आप चाहें तो और भी इसको पका सकते हैं, बट बेसन क्योंकि हमने डाला है तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है। और ये देख सकते हैं, हमारी ककोरा की सब्जी बन के तैयार है। इसको आप दाल चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये ककोरा की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी शेयर कीजिए। और पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।